हेलो फ्रेंड्स, कई बार आप कहते हैं खरी खोटी सुनाना, किसी को खरी खोटी सुनाना, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैंने उसे खरी खोटी सुनाई, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई रीबग्ड हिम, आई रीबग्ड हिम। हम कई बार किसी से कहते हैं कि मेरे लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालिए, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेक सम टाइम फॉर मी एज़ वेल। हम कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो सच सामने आएगा ही आएगा, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सूनर और लेटर द ट्रूथ विल कम टू लाइट, सूनर और लेटर द ट्रूथ विल कम टू लाइट। ये सब किस्मत का चक्कर है या ये सब किस्मत का खेल है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज़ द ट्विस्ट ऑफ फेट, इट इज़ द ट्विस्ट ऑफ फेट। कमीज़ अंदर करो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे टक द शर्ट इन, टक द शर्ट इन। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चावल कच्चे हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे द राइस आर अनकुक्ड, द राइस आर अनकुक्ड। वो छुपा रोस्तम है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में हम कई तरीके से बोल सकते हैं, तो इसको जनरली हम स्लैंग के फॉर्म में बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ही इज़ अ डार्क हॉर्स, ही इज़ अ डार्क हॉर्स। तो डार्क हॉर्स एक स्लैंग होता है जो छुपे रोस्तम के लिए यूज़ किया जाता है। चमचा मत बनो, इंग्लिश में हम चमचे को क्या बोलेंगे? जनरली चमचा क्या होता है वो आप जानते ही हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे चमचा मत बनो, डोंट बी सिकोफेंट, डोंट बी सिकोफेंट।